भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, यदि पिछड़ो के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों की उपेक्षा की है, इनके बीच में भेद डालने का काम किया है और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो तो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और सीधा सीधा अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध उनके नेताओं से क्या रहे हैं। राहुल जी ने जो सवाल पूछे कि कितने बार उनके साथ विदेश यात्रा की है, सेल कंपनी के रूप किस प्रकार के पैसे रूप हुआ है उसके बारे में बताएं और क्या क्या उन्होंने ठेका दिलाए हैं इसके बारे में उन्होंने पूछा है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस मुद्दों को लेकर 2 पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है जिसकी लड़ाई हमको लड़नी, दूसरा जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।